वेलकम टू माय चैनल एल एस फूड्स। आज हम बनाएंगे खुशबूदार गर्मा गर्म जलेबी, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके। कुछ लोग होते हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं कि उनकी जलेबी ठीक नहीं बनती। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 टेबल स्पून चावल का आटा, मैदा एक प्याली, बेकिंग पाउडर हमने 1/2 टेबल स्पून लेना है। इसके अलावा हमने दही लेना है 2 टेबल स्पून, और कलर भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा एक प्याली हमने नीम गर्म पानी लेना है। मैदे को हमने अच्छे से छान लेना है। अब हम एक बाउल में मैदे को ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें चावल के आटे को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें दही को ऐड कर देंगे। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है पानी की हेल्प से। फिर हमने इसको अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्प्स जो हैं वो ना रह जाए, या कोई भी गुठली जो है वो ना बने। क्योंकि जब भी अगर कोई गुठली रह जाती है तो वो हमारी जलेबी जो है वो ठीक नहीं बनती, ख़राब हो जाती है। ठीक है, और हमने इसको गाढ़ा रखना है, इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना। फिर हम इसमें कलर ऐड कर देंगे। कलर जो है वो हमने जैसा जलेबी का कलर होता है, जितना उसका कलर होता है हम उतना ही ऐड करेंगे। कमियाँ ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने 2 कप शुगर ऐड कर दिए। उसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। ये हम चाशनी बना रहे हैं, उसके लिए हमने ये सब कुछ लिया है। इसमें हम 4 से 5 इलायची लेंगे, ये खुशबू के लिए हम इसमें डालते हैं। इससे हमारी जो जलेबी है वो खुशबूदार बनती है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर देंगे। सिरका से ये होता है कि जो हमारी चाशनी है वो जुड़ती नहीं है। अब हमने घी लिया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। अब हमने इसको एक एक करके चाशनी में ऐड करते रहना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की गर्मा गर्म खुशबूदार जलेबी हमने बनाई है। ऐसे मौसम में जलेबी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।